Assalamualaikum, welcome to our YouTube channel. Welcome to our today new vlog. Welcome. क्या welcome? So boring welcome you are doing. कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं हम कि आप सब खैर खैरियत से होंगे. So guys, जैसे कि हमने कल बताया था कि आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, आज अपॉइंटमेंट है. तो वी आर ऑलवेज लाइक लेट, जैसे कि हम हर दफ़ा लेट ही होते हैं. आज की भी टाइमिंग जो थी 8 बजे की थी और अभी हम 10 बजने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं. तो इट्स ऑल अबाउट मी, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठती हूँ, बहुत मुश्किल से उठती हूँ. तो ये जनाब भी जो है ना, फिर सोए हुए थे तो हम लेट हो गए थोड़ा. और ऑल आज ने मैंने ना कैथ वाला हेयर पहन पहना. तो सुबह मम्मी क्या कह रही थी, बोला अभी मम्मी क्या कह रही थी, लिटिल कैट. तो सुबह ना दोनों, मैं जो है ना, मेरी मदर इन लॉ और जो उनकी नानो है ना, दोनों मुझको सुबह सुबह ना लाइक ना मतलब कह रही थी, इतना क्यूट लग रहा है. तो मेरा असल में यार ये हेयर बैंड इसको स्ट्रेस के साथ मैच कर रहा था, तो मैंने इसके साथ पहन लिया. मैंने कहा हर दफ़ा मैं पिन लगा के चली जाती हूँ, तो चलो आज जो है ना हेयर बैंड पहन के चलती हूँ. तो इस तरह के हेयर बैंड मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे. और है पता है कितने सस्ते हैं, इसकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं है वैसे. और यार देखो पसीने कितने आ रहे हैं, गर्मी इतनी है. फिर भी ये मसला होता है कि यार मैं बाल बंद नहीं करती, पता नहीं मुझे बस आदत है शुरू से ही कि मैं बाल नहीं ज़्यादा बंद रखती अपने. और इसलिए कैचेस साथ में रख लेती हूँ कि ज़्यादा गर्मी लगी तो हम लगा लेंगे. और मेरा मेकअप बिल्कुल सी लाइट सा है, बिल्कुल लाइट सा, तो बहुत ज़्यादा नहीं किया. और आज मैंने लिप का कलर भी अपना चेंज किया, ग्लॉस आज मैंने दूसरा ये वाला लाइट सा ग्लॉस लगाया, शाइनिंग वाला आज नहीं लगाया. तो सी बात है. कल का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा, मुझे कमेंट आया था, मेरी एक कज़न है. तो यार लिटरली मैंने पहले आपका कमेंट नहीं देखा था सानिया, सॉरी. एंड मैं पता नहीं यार फ़ोन इतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ, कम देखती हूँ. और दूसरा जब नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं चेकआउट करती किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा. तो इसलिए मैंने आपका नहीं देखा, मैंने रात में देखा था, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था. और इसके अलावा यार चलिए हम पहुँच के आपको बताते हैं. अच्छा तो यार हम लोग पहुँच चुके हैं और धूप, कितनी ज़्यादा धूप है कि यार मैं बता नहीं सकती. वैसे तो हम कहीं दूर अगर जा रहे होते तो मैं अम्ब्रेला साथ में ले आती, बट हम घर के नीचे से गाड़ी पे बैठे और यहाँ पे आके उतरते हैं, इसलिए मैं अम्ब्रेला वगैरह भी नहीं लेकर आई. नहीं तो मेरे मियाँ जी तो सारे काले हो गए हैं. मियाँ जी की यार सीरियसली, जब पाकिस्तान में थे तो इनकी बाजू इतनी अच्छी थी, वाइट थी, अभी काफ़ी कलर डल हो चुका है इनका, है ना मियाँ जी? अभी आप कह रहे थे आपको दर्द है, कितने दर्द है? तमी में दर्द है, कौन दर्द है? ब्रेकफास्ट प्रॉब्लम. ब्रेकफास्ट प्रॉब्लम क्यों, कौन सा ब्रेकफास्ट में प्रॉब्लम था? हाँ भाई, जल्दी खाने से भी यहाँ लोगों को दर्द शुरू हो जाता है, अजीब है. तो यार आज का ये था कि आज हमने ना बगैर नाश्ते के नहीं आना था, तो सुबह हम नाश्ता करके आए. तो यार बैग दे दिया चेकिंग के लिए. तो हम पहुंच जाए हॉस्पिटल. मुझे तो लगता है बैग में मियाँ जी को या पकड़ा दूँ. तो यार जी हम पहुंच चुके हैं. मैं जी फैन बैग में डाल दें. तो यार हम लोग पहुंच चुके यहाँ, अब विद इन 1 सेकेंड हम ऊपर पहुंच जाएंगे. ऊपर शमूला 2nd फ्लोर आसमान पर नहीं. अच्छा मेरी बहन ना, उससे कोई बात करो ना, मैं उससे कुछ पूछ रही होती हूँ ना कि ये हुआ था वो हुआ, तो कहती है वो ऊपर गई है. मैं कितना ऊपर गई है, ऊपर का कोई नाम भी होता है, तो वो इस तरह की बात करती है. ठीक का होता है
जी का होता है। ओ मेरे खुदाई, आज फिर राशन, आज फिर से बहुत ज़्यादा लोग हैं। बैग ले लेना मियाँ जी, मियाँ जी बैग ले लेना। फिर वो बैग जो है ना बोलेगी उतार दो, और मुझे फिर बैग अभी पहनना नहीं है फ़ायदा। यार आज पता नहीं क्यों हॉस्पिटल आते साथ ही मेरी तो कमर और पेट में दर्द शुरू हो गया। होपफुली सब ठीक हो। वो मियाँ जी, मैं मियाँ जी भी बोलेंगे सारा दिन, मियाँ जी करती रहती है। वो भी जब काम होता है व्लॉग बनाना आता तब करती है, अदरवाइज नहीं तो नहीं। यार ऐसी बात नहीं है। तो ये है आज की रश, इतनी नहीं है थोड़ी बहुत ही है। अरे मेरी कमर दर्द हो चुका है बहुत ज़्यादा। अपॉइंटमेंट यार होती है तो शुक्र है कि ये है कि वेट नहीं करना पड़ता। स्लिप इनकी रेडी होती है, जैसे जैसे पेशेंट आते हैं उनको दे दी जाती है। तो हम चलते हैं, चले आप ब्लॉग बनाए नोट कर। आपको कभी व्लॉग बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे? भी हो गया चेक, वेट भी हो गया। नाउ व्हिच वन तो यार ईसीजी वगैरह भी हो गई जो है ना। ईसीजी में ये था कि ये लोग इतना ज़्यादा जेल यूज़ नहीं करते जितना पाकिस्तान वाले थोप थोप के जो है ना जेल लगा देते हैं इंसान की बॉडी पर। तो ये बहुत ही ना क्या कहते हैं कॉटन बेड से लेके ना जितनी जितनी नीड होती है उतना उतना लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाते। क्यों मियाँ जी? मियाँ जी बोलेंगे बस इसके व्लॉग्स नहीं ख़त्म होते। और पता है यार फिर मैं घर में भी होती हूँ तो मेरे पास कुछ बोलने को नहीं होता, इसलिए मैं जब बाहर निकलती हूँ तो थोड़ा बहुत जाना जो जो अवेयरनेस मुझे मिल रही है तो मैं कहती हूँ आप लोगों को भी दी जाए, शेयर की जाए, है ना?
मेरे मेरी कमर में दर्द है यार, पता नहीं क्यों। आपको क्यों दर्द है? पता नहीं, गैस्ट्रिक। यार ये कॉमन है, ये क्या चीज़ है हम दोनों में कि मेरी तबीयत खराब हो, मुझे दर्द होते हैं, इनको भी दर्द होते हैं साथ में, ये भी बीमार हो जाते हैं। आपको चाहिए आप ना बीमार हुआ करें तब जब मैं बीमार होती हूँ। नहीं तो मुझे कौन संभालेगा? हाँ तो यार ये बात है। कल यार रात में अब्दुल्ला की दादू का हुआ ऑपरेट, उनका दिल का जो है ना ऑपरेशन हुआ। उनकी तबीयत मैंने आप लोगों को बताया था, वो ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। तो रात में मियाँ जी गए हुए थे उनको देखने के लिए, तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अब जो है ना मेरे ख्याल से बेहतर है। अब उनकी तबीयत कैसी है तेरा? हाउ इज शी? ओके ओके नाउ विच टाइम गो होम? Maybe after 2 hours in the train again, train hospital. Where is hospital? Barbie. By car 1 hour. तभी आपको रात को एक घंटा लगा। You text me that you are coming and you take 1 hour. Then I'm thinking, yeah, where is he? Far, faster. पहले तो आपने बताया था इधर हमारे हॉस्पिटल के करीब में है ना? Before you say the in the near this hospital. We have changed. I thought you. तो यार हाँ हॉस्पिटल हो गया उनका चेंज, तो इस वजह से जो है ना, नहीं तो मैं भी जाती। चलें भाई दूसरे टेस्ट के लिए हम चलते हैं। अच्छा तो भाई हमारे टेस्ट वगैरह हो गए कंप्लीट और चेकअप हो गया कंप्लीट। अभी बैठ के हम इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का, तो अभी हम जाने लगे हैं घर। और ये है कि आई डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि तुम बड़ी फ्रेश लग रही हो। क्या बोला डॉक्टर ने? क्या बोला डॉक्टर ने? Today you are alive. No tired. Cat is coming. Cat coming. तो यार आज सब ने ना मेरी इस हेयर बैंड का बहुत ही कुछ ज़्यादा मजाक उड़ाया, तो क्योंकि आज मैं ज़रा आज तो यार ऐसे कोई ख़ास बात नहीं है, मैं ऐसे भी इसी तरह ही आती रहती हूँ। कुछ ना कुछ लाइक हेयर स्टाइल का ये होता है कि मैं कोई पिन एक दो लगा लेती हूँ या कोई भी हेयर बैंड लगा लेती हूँ। तो मैं आज ये हो गया कि यार ये थोड़ा कैट वाला पहन लिया, तो सब इस वजह से भी शायद नोट कर रहे हो। तो हम जाते हैं अभी घर और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल सब कुछ ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये माई गुड बॉय। तो यार हम चलते हैं घर। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आज का व्लॉग करते हैं बस अब एंड, क्योंकि यार आज मेरी कुछ तरह फिर से तबीयत कुछ सेट नहीं है। और मैं डर के मारे, पता है हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने मैंने बोला भी नहीं है कि मुझे दर्द है। मेरी जो डॉक्टर है ना उसका दिमाग वैसे भी ज़रा ख़राब है, क्रैक है ना, वो बूढ़ी है ना तो उसका दिमाग काम नहीं करता। अगर मैं बोल देती ना कि मुझे दर्द है तो वो कहती हाँ शायद इसका जो है ना कोई प्रॉब्लम होगा ये वो, तो वो और टेस्टों में लगा देते हैं फिर, और टेस्टों में लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि रात यहीं पर रुको। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं मैं आज ठीक हूँ बिल्कुल, हालाँकि मुझे पेन है। तो यार चलें आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि और मेरा आज स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलें मियाँ जी मिल के जो है ना बाय बाय करते हैं, कल भी आप नहीं थे तो मैंने अकेले किया। चैलेंज जी अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल नए दिन नए व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, हमारी गाड़ी पे आके हम चलते हैं घर। बाय बाय।